the Beardos. Welcome to Hairy Masculinity. Post related query. Yes, sir. अनीश आप में से मैक्सिमम लोगों का जो एप्टीट्यूड है वो मुझे लगता है कि सबका नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों का अच्छा है वो लोग कभी कभी ऑफेंड फील करने लग जाते हैं, तो ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज यही चाहता हूँ कि आप लोग उस पार्ट को अपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, कैसे करना है उसका सजेशन भी दे दूंगा और बेसिक आपको बता दूंगा कि कैसे चीज़ों को देखना है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक्स ऑफ काउंटिंग बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को एनालाइज करो जब भी आपको काउंटिंग करना हो। दूसरा चैप्टर जो हम शुरू करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, दैट विल बी सेट्स एंड रिलेशन। वेरी इजी चैप्टर, यू कैन एक्सपेक्ट आइदर देर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर और देर विल बी अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो सेट्स एंड रिलेशंस, तो बेसिकली इस चैप्टर को लोग एक साथ कंसिडर करते हैं, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, लेकिन मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। सो विल डिस्कस सेट्स एंड रिलेशन, देन द सेकेंड चैप्टर विल बी फंक्शंस, देन इस बार मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, यहीं पर सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ ही आप लोगों के साथ ग्रुप थ्योरी भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के बनाती हैं सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा और सेट अलजेब्रा, राइट। उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफ थ्योरी। This is most important, ठीक है, ये सबसे important topic होगा आपके discrete mathematics का। Then we'll see mathematical logic, ठीक है। And when we are done with all these things, then I'll come back to this particular topic, जिसके अंदर discuss करेंगे combinatorics and recurrence relation. So basically, the concept of generating function will also be a part of this particular thing, combinatorics and recurrence relation. So, वाह, सर, शुरुआत से ही गलती कर रहे हो, कैसे पढ़ाओगे? So these are the seven things. This is just the basic. ये एक्चुअल में पार्ट ही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शुरुआत में एक पार्ट ही है कॉम्बिनेटोरिक्स का, लेकिन मैं थोड़ा सा पोर्शन जो आपको जरूरी होगा, जो आपके एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका डिस्कशन आज करूंगा, बाकी सारी चीजें बाद में। चलो पहले कुछ लोगों के डाउट्स हैं, वो लोग पता नहीं ऐसे डाउट्स क्यों रखते हैं, सबसे पहले उनको क्लियर कर देता हूँ। कैंपिंग इज आस्किंग कि सर फुल कोर्स होगा यूट्यूब में? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ दो क्लासेस इस कोर्स की लाइव ऐप के डायरेक्ट जो क्लासेस हैं वो लाइव ऐप की क्लासेस ही प्रसारित की जा रही है यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा ये पूरा कोर्स नहीं होगा। क्लियर है, और किसी के कोई डाउट है तो वो बता दो, बीच में कोई कंफ्यूजन लेकर के मुझसे ये चीज़ बार बार मत पूछना। पहला लेक्चर है, जिसको भी ये डाउट है
कि ऑब्वियसली वो अगर आगे के लेक्चर देख रहा है तो सबसे पहले पहला लेक्चर ही देखेगा, तो उसके मन में यही आएगा कि क्या सर ये पूरा यूट्यूब पर होगा? नहीं, ये पूरा यूट्यूब पर नहीं होगा, दो या तीन क्लासेस लाइव अप की डायरेक्टली आपको लाइव मिलेंगी यूट्यूब पर, इसके बाद वाली क्लासेस नहीं मिलेंगी, ठीक है? सर इस कोर्स का आप प्राइस नहीं बताए लाइव अप में कितना प्राइस होगा? रवि रंजन, अगर आप इंडिविजुअली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चूज करते हो तो गुरुपाल सर ऑलरेडी इसका एक सेशन लेकर के इसकी प्राइस बता चुके हैं, शायद 1110, इसका मतलब 1110 रुपये इसकी प्राइस होने वाली है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें दोनों ही आपको मिलेंगे। सर मैं ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ स्क्रैच से एंड गेट 2020 में ही अच्छी रैंक लाना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइड मी कैसे स्टार्ट करूँ? गेट एकेडमी का प्रतिज्ञा बैच ले लिया है, आप जो बोलोगे नवीन, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी कोर्स ले चुके हो तो आपने पहला जो पड़ाव है वो पार कर लिया है, धीमे से हम आगे चलेंगे, जो भी डाउट हो मुझे बताते रहना, वो मैं क्लियर करता रहूँगा। YouTube सर प्लीज़ रिप्लाई, अरे सब रिप्लाई कर तो रहा हूँ, बोल तो दिया, विल बी इंजॉइंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इनर वॉइस ये वाला कोर्स आप लाइव वेब के थ्रू डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, मुझे मिला नहीं ये, आप मैं अभी आपको एक नंबर दे दूंगा उस पर टेलीग्राम कीजिएगा, उस पर मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा। सर शो नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स लिखा है। नहीं, इंजीनियरिंग मैथ्स लिखा है वो कॉम्बो है इंजीनियरिंग मैथ्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, तो अगर कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई डाउट होगा तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर मेरा बहुत वीक है PNC, आकाश लाइव वेब के स्टूडेंट्स भी हैं, अगर वीक है तो बेटा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वही चीज़ आज बताने वाला हूँ सबसे पहले कि आप अपने PNC को स्ट्रॉन्ग कैसे करो। एक्चुअल में क्या हुआ, आप 11th क्लास में जब थे तब PNC से घबरा गए, ठीक है, लेकिन PNC आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पैरेलली ही चलेगा शायद, क्योंकि शायद कल से गुरुपाल सर की कल से या परसों से क्लास होगी। अरे जनरल एप्टीट्यूड तो हो ही रखा है ना बेटा, चलो 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 चलो। देखो बार बार यही कह रहे हो कि डिस्क्रीट मैथ शो नहीं हो रहा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसका पार्ट है, अगर नहीं है उसमें लिखा हुआ नहीं है तो मैं बात करके उसको एक्सप्लिसिटली उसके साथ इंक्लूड करवा दूंगा, आपको वो सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज कर रही होंगी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। अनीश, आपने ऑलरेडी परचेस किया है तो आप ये क्लास लाइव अप पे देख पा रहे हो या नहीं? अगर आपने ऑलरेडी परचेस किया है अभी क्लियर हो जाएगा। अगर अनीश मुझसे कह रहा है कि सर मैंने ऑलरेडी परचेस किया है मैथ्स कोर्स बट DMGT शो नहीं हो रहा, तो अनीश आप ये वाली जो क्लास है ये लाइव अप पर देख पा रहे हो या नहीं, पहले मुझे ये कन्फर्म कर दो, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुणाल, सर आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, पॉसिबल होगा? यार अंडर 100 आई हैव टेकन रिकॉर्डेड कोर्स ऑल्सो। कुणाल आप अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो, मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। मैंने, और ऐसा मत सोचना कि मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ता था या फिर मेरा कुछ बहुत अच्छा कुछ तूफानी टाइप का बैकग्राउंड रहा होगा, नहीं, मैं आपसे बताता हूँ, मैंने एक्चुअल में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू की थी वो था 14th of November, आई स्टिल रिमेंबर दी डेट, 14th of November को मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और सेकंड संडे, इसका मतलब हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम होता था हमेशा सेकंड संडे को होता था, तो 14th of Feb, उस टाइम पे 7th वाला फर्स्ट था और 14th वाला सेकंड संडे था, तो 14th of Feb को मेरा एग्ज़ाम था, एंड दैट टाइम वॉज सफिशियंट टू गेट दी रैंक विच आई अचीव। तो आप डेफिनेटली अंडर 100 रैंक लेकर के आ सकते हो, आपके पास मुझसे 4 महीने ज़्यादा का टाइम है अभी भी आपके पास, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इज़ सफिशियंट। नो सर नहीं शो हो रहा है। अनीश, ओनली यूट्यूब सर। ओके अनीश, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे आज का टाइम, तो आज की डेट में वो सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर अनीश ये कह रहा है कि वो ऑलरेडी मैथमेटिक्स का कोर्स खरीद चुका है लेकिन उसको DMGT उस पर शो नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई ग्लिच हुआ हो, मैं उसको रेक्टिफाई करवा दूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कल से क्या चीज़ें होती हैं। सर इंजीनियरिंग मैथ्स बाय गुरुपाल सर, सर यही वाला है ना,
हाँ रवि रंजन यही वाला है, लेकिन आज के लिए प्लीज रुक जाओ, आज के लिए प्लीज रुक जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें बाद में आपको मैं कोई गलत कमिटमेंट कर दूं, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहूँगा। एक्चुअल में मैं उस दिन गुरपाल सर के साथ ही उस यूट्यूब सेशन में था जिसके अंदर ये प्राइस डिस्कस हुई थी, उन्होंने बोला था ये कॉम्बो है, ठीक है, तो वो पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, बट वो शो होना चाहिए, या तो फिर उसके अंदर अनीश क्यों लाइव अप की ये DMGT की क्लास नहीं देख पा रहा है। सबसे पहले मुझे वो दोनों चीज़ें कन्फर्म कर देने दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सर मैंने कल ही प्रतिज्ञा बैच लिया है, तैयारी कैसे शुरू करी जाए? शैलेंद्र, जितने भी आप स्टूडेंट्स हो ना, सुनो, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए नए प्रतिज्ञा बैच में या किसी भी बैच में ज्वाइन हुए हैं, तो दिस इज़ अ क्लास। इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कैसे तैयारी शुरू करूँ, कैसे करूँ, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे दे रहा हूँ। सिर्फ टेलीग्राम होगा उसके अंदर, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। यू कैन सेंड मी अ टेलीग्राम मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, प्लीज यहां पर क्लास में मत पूछो। हाउ टू प्रिपेयर, ये एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है सामने कि सर कैसे प्रिपरेशन करें। दूसरा आ गया हाउ टू मैनेज टाइम, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसा कोई भी डाउट हो तो भी आप इसके लिए इसमें मैसेज कर दो। कोर्स रिलेटेड क्वेरी कि सर परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर परचेज कर लिया है तो DMGT नहीं देख पा रहे हैं। फोर्थ एनी डाउट, रिलेटेड टू वर्कबुक, एंड फॉर एनी अदर टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझसे क्लास में एक्सपेक्ट मत करो। ये जितनी सारी चीजें हैं, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास में मत पूछो। क्लास के अंदर इन सबका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, सबको मिल जाता है। हो सकता है कभी कभी एक आध चीज, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको रीच करूंगा, इतना कन्फर्म है। ठीक है ना शैलेंद्र? ठीक है जगत। आदित्य, मेरी रैंक थी 273, उतना बहुत है, दो महीने में मैं जितना कर सकता था मैं उससे खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कुणाल, यस सर, सबको सारी चीजें क्लियर है, प्लीज कंप्लीट काउंटिंग ऑन YouTube। काउंटिंग है ही नहीं, मैं कॉम्बिनेटोरिक्स अभी यही चीज बोल रहा हूँ कि सर प्लीज कंप्लीट काउंटिंग ऑन YouTube। काउंटिंग में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ काउंटिंग बताने वाला हूँ कि आपको काउंटिंग का क्या मतलब है, कैसे काउंटिंग करना है, और अगर आपका PNC वीक है, अगर आपका PNC वीक है तो आप PNC को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे उसको अच्छा कर सकते हो, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करने वाला हूँ, है ना? तो ऑब्वियसली बात है कि PNC के अंदर मैं आपको चार फॉर्मूले लिखवा दूंगा, चार क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे अगर आपको लगता है कि आपका PNC अच्छा हो जाएगा, अगर किसी का वीक है और उससे लगता है कि PNC अच्छा हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये सब आप भी जानते हैं, कोई फॉल्स कमिटमेंट करने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि मैं आपका PNC एकदम फाड़ करवा दूंगा, नहीं, क्योंकि इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, राइट? तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, आपको शुरू कहाँ से करना है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, ठीक है? तो आज की जो क्लास मैंने प्लान की है कि मैं आपको जो बेसिक्स ऑफ काउंटिंग डिस्कस करूंगा, और जस्ट बिकॉज मैं चाहता था कि आप उसी तरीके से चीज़ों को समझो, इसलिए आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज 3:30 बजे उठा और मैंने सोचा कि मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों को सबसे अच्छा समझ में आ सकता है। तो जनरली मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि अगर अपना PNC इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपने अपने 11th क्लास में जो गलती कर दी है, सबसे पहले उस गलती को सही करो, उस गलती को सुधारो, ठीक है? तो 11th क्लास NCERT, मैं अभी सिर्फ NCERT की बात कर रहा हूं,
ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपका जो एप्टीट्यूड में आपको जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। 11th क्लास NCERT चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चे वाले क्वेश्चंस लग सकते हैं आपको, बच्चे वाले क्वेश्चंस लग सकते हैं आपको, लेकिन उनको बच्चे वाले क्वेश्चंस मत समझना, एक छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन को समझने के सॉल्व करने की कोशिश करो, और आपका ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डर है ये खत्म हो जाएगा, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। उस चैप्टर में NCERT में सिर्फ एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है PNC से रिलेटेड, वो मैं आपको आज बता दूंगा कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा जो हायर लेवल पे चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, वो सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज या फिर रेकरेंस रिलेशन कैसे उस चीज़ से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को मैं जब लास्ट वाला चैप्टर बताऊंगा तब आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की डेट में आपको जो बेसिक काउंटिंग पता होनी चाहिए, जो आपको बेसिक काउंटिंग के टर्म्स पता होने चाहिए, सिर्फ वो टर्म्स बता रहा हूँ, और उसके लिए आपको एक मटेरियल दे दे रहा हूँ कि आपको वो कहाँ से प्रिपेयर करना है अगर आपका PNC वीक है तो। क्लियर है सबको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि सर मेरा PNC वीक है, ठीक है, तो कहीं से कुछ खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चैप्टर 7 NCERT क्लास 11 का डाउनलोड करो, उसके अंदर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं सब कुछ पढ़ो, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। छोटा सा चैप्टर है, 13 लीव्स हैं, और 13 लीव्स पढ़ने में मुझे लगता है कि आज का रात मोर देन सफिशिएंट है, पूरा आज ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सारे आज ही हो जाएंगे अगर थोड़ा सा दिल लगा करके करने की कोशिश करोगे तो। एक बार कर लो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं डरोगे, ठीक है। ओनली लाइव होगा बेटा, लाइव होगा और वो भी यूट्यूब पे नहीं होगा। थैंक यू प्रमोद। यूट्यूब पे COA का क्लास कब रिज्यूम होगा प्लीज बताएं सर? फिर वही वाली चीज़ है ना, YouTube पर COA का क्लास कब रिज्यूम होगा? जिस टाइम पर YouTube पर COA का क्लास हो रहा था उस टाइम पर कोई मुझे शक्ल नहीं दिखा रहा था, और इसीलिए वो बंद हो गई, क्योंकि कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जिस टाइम पर क्लास चल रही थी 10-12 लोग देख करके शक्ल दिखाने आते थे, है ना। उसके बाद ये लगा कि अगर आप लोग इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको रिकॉर्डेड नहीं देखना है, तो रिकॉर्डेड तो मैं नहीं दूंगा। अगर पढ़ना था तो लाइव ऐप में आना चाहिए था, वो आप आए नहीं। उसके बाद COA की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दिया था, कैसे? COA का लाइव ऐप का पूरा स्मार्ट कोर्स का जो COA था वो मैंने प्रीमियर करवाया, ठीक है। तो जो इंसान सीरियस थे उसके अंदर 70-80 लोग रोज आकर के उस यूट्यूब प्रीमियर को देखते थे, और उन लोगों ने COA पढ़ा। अब अगर आप मुझसे ये इनवैलिड रिक्वेस्ट करोगे कि सर COA पूरा नहीं करवाया गया, तो इस साल COA पूरा करवाया गया है एक बार लाइव क्लास में। आप ये क्यों चाहते हो कि पूरा का पूरा कंटेंट उठा करके यूट्यूब पर आपको बाद में पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए? ये पॉसिबल नहीं होगा, मुझसे एटलीस्ट पॉसिबल नहीं होगा। जितने कोर्स आपको यूट्यूब पर पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, या तो फिर लेटर व्यूइंग के पर्पज से आपके पास पब्लिक मोड में अवेलेबल हैं, वो होंगे, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। सर ये DMGT अराउंड कितने दिन तक चलेगा लाइव ऐप में? ये DMGT अराउंड इस मंथ के एंड तक चलेगा लाइव ऐप में, पूरा मंथ कवर होगा, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड यूर रिकॉर्डिंग, थैंक यू चतुर्थलिंगम। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास से। आई होप अब किसी को कोई और डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ काउंटिंग। कैसे करना है बेसिक्स ऑफ काउंटिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इनमें से कोई भी डाउट है, ठीक है, और अगर आप सारे के सारे अपडेट चाहते हो, तो इस 8085 वाला जो नंबर है इसके ऊपर एक टेलीग्राम मैसेज करोगे क्या? जो OS पढ़ चुके हैं उनको भी ये मैसेज वापस से करना है, क्योंकि मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा DMGT के लिए। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल, एक जगह पे बहुत सारा डाउट आ जाता है, तो वो COA के बीच में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी आ रहा है, उसके अंदर पता ही नहीं होता। तो अगर उस चीज़ पे आया है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आया है, तो आई विल बी श्योर कि ये डाउट जो आया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है,
टीएमजीटी वाले टेलीग्राम चैनल पे आएगा, उस ग्रुप पे आएगा, तो मुझे पता होगा कि इस ग्रुप पे जो भी डाउट पूछा हुआ है वो डीएमजीटी का है। तो उसके अंदर क्या है ना, मिक्सर बच्चे भी ऐसे हैं जो सिर्फ डीएमजीटी के लिए फॉलो कर रहे हैं या फिर ओएस के लिए फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ सीओए के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारा डिस्टर्बिंग मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में ना मिले। इसलिए मैं तीनों ही सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा। आपको एक टेलीग्राम मैसेज करना है 8085 पर, क्या डीएमजीटी, सिर्फ इतना मैसेज कर देना डीएमजीटी, और आप सब लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी उस मैसेज पर, उस नंबर पर जिस नंबर से आप मुझे टेलीग्राम करोगे, टेलीग्राम मैसेज करोगे डीएमजीटी, सबको उस नंबर पर पर्सनली मैं खुद टेलीग्राम लिंक सेंड करूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरी रिलेटेड टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी। क्लियर? किसी को इसमें कोई दिक्कत? सर बार बार मुझसे नहीं कहोगे कि सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप बता दो कैसे ज्वाइन होगा, मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। सर्च नहीं कर पाओगे, सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्राइवेट ग्रुप होगा। इसलिए आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डीएमजीटी मैसेज कर दो मुझे इस नंबर पर, यू विल गेट दी लिंक, और उस लिंक के थ्रू आप अपना डीएमजीटी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ढूंढने की कोशिश मत करना। सर आपने, कुणाल इज आस्किंग, सर आप वर्कबुक के सारे क्वेश्चन वर्कबुक करवाना सर प्लीज, सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा सर। आपने ओएस के सारे वर्कबुक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं? जितने वर्कबुक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं उसके कंप्लीट करवाए हैं, और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं जो ओएस के स्टूडेंट हैं उनका ओएस का जो वर्कबुक का सेशन है वो साथ साथ चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, आप लोग जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर साथ के साथ क्वेश्चन करवा देना, साथ के साथ मैं तो क्वेश्चन करवा दूंगा लेकिन आप क्या सीखोगे, है ना। तो पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, जब आप लोग सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे उसके बाद मैं वर्कबुक का डिस्कशन करूंगा। सारे क्वेश्चंस जितने भी वर्कबुक पे हैं सारे लाइव वेब में डिस्कस होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने वर्कबुक के क्वेश्चन हैं सारे लाइव वेब की क्लासेस में डिस्कस होंगे, सबके लिए शेड्यूल बनेगा, सबके लिए आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारे क्वेश्चंस वर्कबुक के सॉल्व होंगे, लेकिन पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन, विल बी लाइक हाँ समझ में आ गया लेकिन सीखा कुछ नहीं, है ना। सब समय की बर्बादी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले सर एवरेज वेट कितना है आता है डीएमजीटी का? चलो तो एवरेज वेटेज की बात भी कर लेते हैं। एवरेज वेटेज कितना आता है सर? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप पास्ट ट्रेंड को देखोगे तो आपको पता चलेगा इंजीनियरिंग मैथ से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 10-11 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो बाकी दूसरी ब्रांचेस को देखोगे तो उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही 15 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन उनका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो बड़ा है, उनके लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो बहुत सारा है। छोटी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक्स। इसका मतलब उसके तरीके हैं कि आप उस एक जो सपोज एन इवेंट इवन, लेट मी कॉल इट इवन, suppose an event even, कोई n ways और n is स्कूल से मार्केट तक जाने के 3 रास्ते हैं। कितने तरीकों से राम मार्केट होते हुए, इसका मतलब इन दी कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है। नाउ en and they can occur in m1 m2 m3 up to mn ways, then the total number of ways in which all the events can occur will be m1 into m2 into m3 into m4 up to m into n. clear?
अरे भाई विदाउट मार्केट होम नहीं जा सकता, कैसे डिपेंडेंट हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ कि सुनो, किसने पूछा है ये? इनर वॉइस। सुनो बेटा, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि राम किस रास्ते से, इसका मतलब किस तरीके से स्कूल से मार्केट आया है, क्या इस चीज के ऊपर डिपेंडेंस है कि राम मार्केट से होम कितने तरीके से पहुंच सकता है। तो ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कि राम किस रास्ते से स्कूल से मार्केट आया है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि राम मार्केट से होम कितने रास्तों से पहुंच सकता है। समझ गए इनर वॉइस इंडिपेंडेंट कैसे है? ये डिपेंडेंट कैसे है? क्या राम कौन सा रास्ता चूज करता है मार्केट से घर जाने के लिए, इस चीज के ऊपर कोई डिपेंडेंस है कि राम स्कूल से मार्केट किस रास्ते के थ्रू आया है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्लियर इनर वॉइस? कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं है यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? लेट E1, E2, E3 अप टू EN आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट, इसका मतलब एक का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट इवेंट्स विच कैन अकर इन M1 M2 अप टू MN वेज रिस्पेक्टिवली then all the events E1 E2 up to EN can occur in M1 into M2 अप टू MN वेज। क्लियर सर? BSc के बाद गेट एग्जाम CSA दे सकते हैं? नहीं बेटा, आपको अगर गेट के अंदर MTech में एडमिशन लेना है, अगर आपको गेट के थ्रू MTech में एडमिशन लेना है तो आपको बीटेक या MSc रिक्वायर्ड है, बीटेक या MSc रिक्वायर्ड है। आप BSc मैथ्स के बाद सीधे MTech में एडमिशन नहीं ले सकते, जहां तक मुझे पता है यही चीजें हैं, है ना? क्लियर है सबको? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला रूल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। द सेकंड प्रिंसिपल इज एडिशन प्रिंसिपल। द सेकंड प्रिंसिपल इज एडिशन प्रिंसिपल। इसके अंदर समझने की कोशिश करो, इसकी क्या कहानी है? लेट एन इवेंट E1 कैन अकर इन MVs and another event E2 can occur
इन एन वे। सो दो इवेंट्स हैं ई1 एंड ई2, एक के होने के एम तरीके हैं, दूसरे के होने के एन तरीके हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोनों एक साथ नहीं हो सकती, एंड सपोज बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, इसका मतलब दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, या तो इवेंट ई1 होगी या इवेंट ई2 होगी। क्या कहने का मतलब है अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। व्हाट डू आई मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि या तो इवेंट ई1 होगी या इवेंट ई2 होगी, दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकती, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट। सो इसका क्या मतलब, दैट इज इवेंट E1 and event E2 are mutually exclusive। समझ में आया, अगर कहीं पर भी ये चीज लिखी हुई दिखे mutually exclusive, इसका मतलब उनमें से कोई एक ही हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या फिर जितनी भी चीजें हैं, अगर n चीजें हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उन n में से कोई एक ही एक टाइम पर होगा, एक से ज्यादा नहीं। सर कैन वी राइट 3C1 × 5C1, बेटा वहां चलेंगे ना मनीष, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टर्म तो मैंने अभी यूज भी नहीं की ना बच्चा, तो जब तक मैंने वो टर्म यूज भी नहीं की तब तक उसमें क्यों घुसना चाहते हो। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, तो बेसिक से चलते हैं। अगर मैं आपको बेसिक कहां, अगर आप बोल रहे हो कि 5C1 3C1, तो 5C1 3C1 आया कहां से, पहले वहां तो चलें, फिर समझेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती, इसका मतलब या तो सिर्फ इवेंट ई1 होगी या तो इवेंट ई2 होगी। तो आइदर इवेंट ई1 विल अकर और इवेंट ई2 विल अकर, क्योंकि दोनों साथ में हो ही नहीं सकती, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। देन इवेंट E1 और E2 और कैन अकर इन हाउ मेनी वेज, इन m+n वेज। इवेंट E1 और E2 कैन अकर इन m+n वेज। तो आप इन बेसिक चीजों को समझो, इन बेसिक चीजों को समझो। आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, जिन लोगों को है और कब एडिशन लगाना है, तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। मल्टीप्लिकेशन कब लगेगा, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो एक रास्ते पे जाने का दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब पहला वाला इवेंट किस तरीके से हुआ है, इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आता दूसरा वाला इवेंट किस किस तरीके से हो सकता है उस पर, राइट। लेकिन दोनों ही इवेंट हो सकते हैं, दोनों ही इवेंट होंगे ऑब्वियसली वन आफ्टर अनदर, दोनों ही इवेंट होंगे ऑब्वियसली वन आफ्टर अनदर। इसलिए जब मैंने वहां पर आपको डेफिनेशन दी थी तो आपसे बोला था E1 एंड E2 इन द सेम ऑर्डर ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स E1 एंड E2, तो यहां क्या आया था, एंड आया था, यहां क्या आया था, एंड आया था। तो जब भी एंड वर्ड सुनोगे, जब भी एंड वर्ड सुनोगे आपको चमकना चाहिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन। जब भी एंड सुनोगे आपको क्या समझ में आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। और जब भी और सुनोगे, सो E1 एंड E2 था वहां पर, इवेंट E1 एंड E2 कैन अकर इन द सेम ऑर्डर इन m × n वेज एंड E1 और E2, सो एटलीस्ट सो एग्जैक्टली वन ऑफ दिस टू विल अकर, exactly one of these two will occur, both cannot occur simultaneously as they are mutually exclusive, right? So E1 or E2 can occur in m+n ways. तो कभी भी अगर mutually exclusive event होंगी तो उन सब में से सिर्फ एक ही इवेंट होगी, बाकी सारी इवेंट्स अकर नहीं होंगी। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी तो एक के बाद दूसरी इवेंट इन सीरीज हो सकती है, समझ गए।
क्लियर। विकास इज सर इज दिस क्लास विल बी रेगुलर? नो विकास, शुरुआत से क्यों वीडियो नहीं देखते हो? शुरुआत में ही बोला है 2 या 3 लेक्चर होंगे इस सीरीज के यूट्यूब पर, अदरवाइज दिस इज द डायरेक्ट क्लास फ्रॉम लाइव ऐप ऑफ गेट अकेडमी, तो प्लीज, है ना? सो दिस इज द आइडिया, सो दैट्स वन वे, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So this is Ram. This is Shyam. This is home of Ram. Currently, Ram is at school. अब राम के पास दो तरीके हैं, स्कूल खत्म होने के बाद या तो ये मम्मी की डांट सुन करके शाम के घर जा सकता है, या तो फिर ये अच्छा बच्चा बन करके सीधे सीधे घर जा सकता है। बेसिक तरीके से समझो ना, है ना? तो इसके पास यही दो तरीके हैं और भी तरीके हैं। ये मॉल भी जा सकता है। तो अगर आपका राम इन तीनों में से किसी भी एक जगह जा सकता है तो 3 तरीके हैं, राइट? अब बात समझना, मैं ज्यादा तरीकों की बात ही नहीं कर रहा, तो इनमें से किसी ना किसी एक जगह तो जाएगा, तो यहाँ पर 3 चॉइसेस है। अगर मैं बोलता हूँ कि शाम के घर जाने के 2 रास्ते हैं, मॉल जाने के 3 रास्ते हैं और घर जाने के 4 रास्ते हैं, तो राम स्कूल से इन तीनों में से किसी एक जगह पर कितने तरीके से जा सकता है? नहीं बेटा, लाइव रेगुलर नहीं होगा यूट्यूब पर, सिर्फ 3 से 4 दिन थोक होगा, है ना? मनीष, यू कैन डू वन थिंग कि आप वर्कबुक वाले जो लेक्चर्स होंगे वो अटेंड कर लीजिएगा, सेट्स एंड रिलेशन के अलावा। सेट्स एंड रिलेशन कल से स्टार्ट होगा, तो आप सेट्स एंड रिलेशन वाला जो लेटेस्ट तक का पोर्शन है उसको छोड़ सकते हो। तो यहां पर इसका क्या मतलब है? राम कैन गो टू श्याम्स प्लेस और मॉल और his home in 2 + 3 + 4 = 9 ways। तो तीनों में से किसी एक ही जगह जाएगा, और उस जगह जाने के लिए इनमें से किसी भी रास्ते को चूज कर सकता है। तो उसके पास ये तरीके हैं। इसका मतलब ये इवेंट है कि एक इवेंट है कि राम या तो शाम के घर जा सकता है, या तो राम मॉल जा सकता है, या तो राम अपने घर जा सकता है। राम के पास शाम के घर जाने के लिए 2 तरीके, राम के पास मॉल जाने के लिए 3 तरीके, राम के पास घर जाने के लिए 4 तरीके, है ना? तो ये अगर इनमें से इन तीनों में से किसी भी एक जगह जाता है तो इसके पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो कितनी हैं? 9 चॉइसेस, राइट? तो ये 9 में से कोई भी एक रास्ता पकड़ेगा तो इन तीनों में से किसी एक जगह पहुंचेगा, 2 जगह एक साथ नहीं जा सकता। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक ही इवेंट होगी, हाँ या ना? तीनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती कि राम शाम के घर भी चला जाए और मॉल भी चला जाए एक साथ, ऐसा नहीं होगा। So either you will go at the Ram's Shyam's place or it will go to mall
और यू विल गो एट हर जोर होम. दिस प्रतिज्ञा बैच एंड लाइव वीडियोस ऑन यूट्यूब आर सेम जस्ट फॉर टू डेज, अदरवाइज दे आर नॉट सेम. क्लियर है? सो ये तो मैंने अब इसको जनरलाइज कर देता हूँ. ये मैंने इवेंट की बात की थी कि इस तरीके की कहानी है, दो इवेंट हो सकती है. तो अगर आपके पास सिमिलरली बहुत सारी एन इवेंट्स हों और वो M1, M2, M2 अप टू MN वेज में हो सकती हैं और वो सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन वन ऑफ दोज इवेंट कैन अकर इन हाउ मेनी वेज, वो बता देते हैं. सो जस्ट नोट डाउन. लेट E1, E2, E3 अप टू EN आर कैसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सबसे पहले तो इनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है कि इनमें से एक ही होगी. सच दैट दे कैन अकर इन M1 M2, M3, up to MN ways respectively. Then, either one of those N events can occur in MN ways. तो याद रखना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज में एंड बोलोगे, एंड विल करस्पॉन्ड टू मल्टीप्लीकेशन. और जब भी आप नेचुरली किसी चीज को बताने के लिए और बोलोगे कि या तो ये होगा या ये होगा, तो जब भी और वर्ड का यूज होगा तब आप एंड बोलोगे. तो आप स्कूल से मॉल जाओगे एंड मॉल से, या फिर स्कूल से मार्केट जाओगे एंड मार्केट से घर जाओगे, तो एंड आया तो दोनों जो नंबर ऑफ वेज थे दोनों जगह के लिए उनका मल्टीप्लीकेशन. और अगर बोला कि मैं या तो मॉल जाऊंगा या घर जाऊंगा, इसका मतलब आइदर वन ऑफ दोज टू थिंग्स विल हैपन, तो मॉल जाने के कितने रास्ते प्लस आपके घर जाने के कितने रास्ते उसके ऊपर डिपेंडेंट. क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ क्या कहानी है. क्लियर? सो लेट्स टेक अन क्वेश्चन. समझते हैं. सपोज वी हैव 8 डिफरेंट इंग्लिश बुक्स, अलग अलग हैं ये डिफरेंट. Seven different CS books or OS books and 6 different COA books. तो आपके पास ये कहानी है. अब मैं बोलता हूं then in how many ways Ram यार
थोड़ा सा सॉरी चाहिए मुझको, क्योंकि अगर मैं इनको ओ 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 मुझे क्वेश्चन को फ्रेम करने में दिक्कत हो जाएगी, मैं इनको लैंग्वेज से ही रखता हूँ। इंग्लिश बुक्स, हिंदी बुक्स और एक आध कोई और लैंग्वेज बता दो, एक आध और कोई लैंग्वेज बता दो। कौन सी लैंग्वेज होती है भाई, पता नहीं। तो लेट्स अज्यूम बंगला, पता नहीं कहाँ से आया दिमाग में, लेकिन मालूम नहीं। ठीक है, सो सपोज वी हैव 8 डिफरेंट इंग्लिश बुक्स, 7 डिफरेंट हिंदी बुक्स एंड 6 डिफरेंट बंगला बुक्स, देन इन हाउ मेनी वेज राम कैन चूज टू बुक्स ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, गिव मी द आंसर। In how many ways Ram can choose two books of two different languages? प्रणाम संदीप भैया, प्रणाम सर। वीडियो प्राइवेट नहीं कीजिए, नेटवर्क इशू आ रहा है। ये जो दो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, ये तो प्राइवेट करके मैं क्या ही कर लूंगा, तो ये दो छोड़ दूंगा। ये जो दो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, इनको छोड़ दूंगा, ये प्राइवेट नहीं होंगे। अगर ये लाइव में भी है तो मैं बोल दूंगा ये रहें, ताकि आप लोगों में से लोग डिसीजन लेकर के अगर आगे आए तो वो किसी चीज़ों को छोड़े नहीं। अरे हाँ भैया, मुन्ना भैया ठीक है, गिव मी द आंसर। यार आंसर, ओके मे बी आई डोंट नो द आंसर। तो आप लोग आंसर दे दिए हो, लेकिन मुझे आंसर पता नहीं है, रैंडम क्वेश्चन है तो कैसे ही आंसर पता होगा। तो देखते हैं, देखो आपको दो बुक चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। तो आपके पास तीन बुक्स हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगला, तीन लैंग्वेजेस हैं। तो आप दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो क्या, या तो आप इंग्लिश एंड हिंदी की बुक चूज कर सकते हो, वन इंग्लिश एंड वन हिंदी, और सुनना अभी, और क्या करोगे, या तो आप एक हिंदी की लोगे और एक इंग्लिश की लोगे, एक हिंदी की लोगे, या तो फिर आप एक इंग्लिश की लोगे और एक बंगला की लोगे, या तो फिर आप एक हिंदी की लोगे और एक बंगला की लोगे, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। आया ना, यही तीन तरीके हैं, या तो आप एक इंग्लिश लोगे और एक हिंदी की लोगे, या तो फिर आप एक इंग्लिश और एक एक बंगला की लोगे, या तो फिर आप एक हिंदी तो पहले हिंदी लेते हो या पहले इंग्लिश लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तो आपके पास एक इंग्लिश और एक हिंदी की ही है ना, बात समझना। यहाँ पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पहले कौन सी बुक को सिलेक्ट किया, यहाँ पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पहले कौन सी बुक को सिलेक्ट किया, क्योंकि आप एक इंग्लिश की ले रहे हो और एक हिंदी की ले रहे हो। पहले आप इंग्लिश की ले रहे हो फिर हिंदी को ले रहे हो, या तो फिर पहले आप हिंदी की ले रहे हो और बाद में इंग्लिश की ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास इस कॉम्बिनेशन में एक इंग्लिश की बुक है, एक हिंदी की बुक है, किस ऑर्डर में आपने सिलेक्ट की वो फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो बात समझना, कितने हैं आप इंग्लिश की एक बुक कितने तरीके से चूज कर सकते हो, यू कैन चूज वन बुक ऑफ इंग्लिश इन हाउ मेनी वेज, सो देर आर 8 डिफरेंट इंग्लिश बुक्स, सो 8 में से आप
आठ तरीके हैं आपके पास कि आठ में से कोई भी एक चूज कर लो। सो यार देर आर एट वेज, कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, आठ बुक पड़ी हैं, आप कितने तरीके से उसमें से एक बुक चूज कर सकते हो, या तो पहली वाली ले लोगे, या दूसरी वाली ले लोगे, या तीसरी वाली ले लोगे, या लास्ट तक। इसके मतलब आपके पास टोटल कितने तरीके हैं इंग्लिश की बुक चूज करने के, आठ। एंड सो जब भी एंड आएगा मैंने बोला है मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो आप एक हिंदी की बुक कितने तरीके से ले सकते हो, सेवन। इसका मतलब आप एक इंग्लिश और एक हिंदी की बुक, इसका मतलब आपने इंग्लिश की बुक किसने, आपने इंग्लिश की बुक कौन सी ली है, क्या उसका इस चीज़ पे डिफरेंस है कि आप उसके बाद हिंदी की बुक कौन सी लोगे? नहीं, आप कोई भी साथ में से कोई भी हिंदी की बुक ले सकते हो। इसका मतलब दिस टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि आप इंग्लिश की चूज करना, आपने इंग्लिश की कौन सी बुक चूज की है, इसका इस चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है कि आप हिंदी की कौन सी बुक चूज करते हो, ठीक है। सो दिस आर दी वेज जिसमें से आप एक इंग्लिश और एक हिंदी की बुक चूज कर सकते हो। तो या तो आप एक इंग्लिश या हिंदी की चूज करते, और आप एक इंग्लिश की चूज करते और एक बंगला की चूज करते, और आप एक हिंदी की चूज करते और एक बंगला की चूज करते। तो ये कितना होता सर? पता नहीं सर। 8 7 56, 48 एंड 42, 48 एंड 42 90, 9 5 140, 146। क्लियर? तो काफी सारे आंसर जो आए हैं वो गलत हैं, काफी सारे आंसर जो आए हैं 336, 420, 336, 2x21, ये सब गलत हैं। क्लियर? जितने लोगों के गलत आंसर आए हैं वो समझ गए कि क्या करना था। क्या आप लोगों ने जैसे निकाले तो आप मुझे अपना तरीका अगर चाहो तो बता सकते हो कि सर ये क्यों नहीं, समझना बात को। आप यही तीन काम तो कर सकते थे, या तो आप एक इंग्लिश और एक हिंदी की ले लेते, या तो एक इंग्लिश और एक बंगला की ले लेते, या तो फिर एक हिंदी और एक बंगला की ले लेते, है ना। इसके अलावा और क्या ही कर सकते थे, तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तीन में से दो लैंग्वेज चूज कर सकते थे, कोई भी दो चूज कर लो। वो आगे की बात करेंगे, 3C2 वेज से किया जा सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आगे समझेंगे, अभी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं कि आपको कैसे सोचना है। तो देखो, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 10^5 एंड 10^6, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 10^5 एंड 10^6 हाउ नो इंटीजर, नो नंबर अदर देन 0, 2, 4 and 6, बताओ। गिव द आंसर। भाई ये कैसे रिकॉर्डिंग है, मोहम्मद जीशान तुम सबके नाम चिल्ला चिल्ला करके ले रहा हूं, ये कैसे रिकॉर्डिंग है? हेलो मोहम्मद आसिफ अली, बोलो बोलो बोलो, आंसर दो आंसर दो आंसर दो। ओके सर, अब शोर है। गिव मी द आंसर। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10^5 एंड 10^6 हैव नो नंबर अदर देन 0, 2, 4 and 6? नहीं, नहीं चंद्र प्रकाश,
सोचो अब देखो यही चीज है, आपको काउंटिंग आ गई, आपको काउंटिंग आ गई, अब एप्टीट्यूड कौन लगाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना, जो मैं आपको बोला हूँ कि वो जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 7 के क्लास 11 के, वो सारे आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हो, आप टर्म्स को, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझते नहीं हो, तो ये आपको एक आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव करेगा। सो ये चाहता हूँ कि आप वो जितने लोगों को भी लगता है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करे, है ना? नहीं है भैया, गलत आंसर है, गलत आंसर है चंद्र प्रकाश, तुमको क्या लगता है कि मुझे ये का मतलब समझ में नहीं आता? नहीं चतुर्लिंगम, आंसर देना पड़ेगा भाई, बिना आंसर दिए काम नहीं होगा। कितना आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। ओहो नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, करेक्ट आकाश, थैंक यू। नहीं ध्रुतिक, नहीं शुभम, डू यू रियलाइज कि आप लोग सच में, इसीलिए मैं मुझे समझ में आया ना कि सर आप क्यों बेसिक्स ऑफ काउंटिंग पढ़ा रहे हो, क्योंकि आई नो ओवर द पीरियड आई रियलाइज कि भाई कुछ भी छोड़ना रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी तूफानी टाइप का आंसर लेकर के आ सकते हैं। चंद्र प्रकाश कैलकुलेशन, हाँ सेकंड आंसर इज करेक्ट, है ना? अब बात समझना भाई, 10 रेस पावर 5, सो बिटवीन 10 रेस पावर 5 एंड 10 रेस पावर 6, इसका मतलब वो 10 रेस पावर 6 विल बी वो राइट सर। तो इसमें जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 9, 9, इससे पहले वाला नंबर 9, 9, 9, 9, सो दिस आर दी नंबर्स। सो ऑब्वियसली दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस कंटेन्स 1, 1, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस कंटेन्स द नंबर 1, ठीक है? सो Now, every other number in this range will have how many digits? Every other number in this range will have So you have 6 digits. Yes or no? अब बात समझना, सुनो अच्छे से, आपको 6 digit नंबर चाहिए, इसका मतलब पहली डिजिट तो जीरो नहीं हो सकती, अदरवाइज पहली डिजिट तो जीरो नहीं हो सकती, अदरवाइज ये 6 digit का नंबर ही नहीं रहेगा, हाँ या ना? Out of this 6 digit, the first digit cannot be zero. Out of this 6 digit, this first digit cannot be zero, because if this first digit is zero, then this will not be a number in this range, because this will not be a 6 digit number. Yes or no? तो आपके पास total कितने possible combination थे सर? मैं इस वाली जो position है, ये जो सारी position है, इस पे जो मैं number डाल सकता हूँ, वो या तो zero डाल सकता हूँ, या two डाल सकता हूँ, या four डाल सकता हूँ, या six डाल सकता हूँ। बोले हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आप हर पोजीशन पे कितने तरीके से नंबर डाल सकते हो, आप इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ डाल सकते हो, इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, हाँ ना? हाँ सर, इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मुझको ये बताओ, इस पहली पोजीशन पे क्या ये चारों नंबर डाले जा सकते हैं? नहीं सर, पहली पोजीशन पे चारों नंबर नहीं डाले जा सकते। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन को मैं सिर्फ कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? फर्स्ट पोजीशन को मैं सिर्फ 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज Zero is not allowed. अब समझना, क्या
अगर मैंने पहली पोजीशन को इन तीनों नंबर से फिल कर दिया तो मैं सेकंड पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, समझना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ तो या तो टू आ जाएगा, या तो यहाँ पर फोर आ जाएगा, या तो यहाँ सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब अब बाद में मैं कुछ भी डालूं इट विल बी अ सिक्स डिजिट नंबर। अब इन रिमेनिंग फाइव पोजीशन पे मैं कुछ भी डालूं इट विल बी अ सिक्स डिजिट नंबर, यस और नो। सो द आइडिया इज, सो ऐसे सुनो कैसे, द फर्स्ट पोजिशन को मैं कितने टाइप से फिल कर सकता हूँ, तीन तरीके से, एंड सेकेंड पोजिशन को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, फोर। सो देयर इज एन एंड, सो फर्स्ट पोजिशन को मैं फिल कर सकता हूँ तीन तरीके से एंड, और थोड़ी ना है कि आप या तो थर्ड पोजिशन, या तो आप फर्स्ट पोजिशन पे डिजिट डालोगे या तो आप सेकंड पोजिशन पे डिजिट डालोगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप फर्स्ट पोजिशन पे भी डालते हो, सेकंड पोजिशन पे भी डालते हो, एंड थर्ड पोजिशन पे भी डालते हो, एंड फोर्थ पोजिशन पे भी डालते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि फर्स्ट पोजिशन पे डालोगे या तो फिर सेकंड पोजिशन पे डालोगे या तो फिर थर्ड पोजिशन पे डालोगे, ऐसा थोड़ी हो रहा है। आप सारी पोजिशन पे डाल रहे हो, इसका मतलब दिस विल बी एन एंड। सो द मोमेंट इट इज एन एंड यू विल यूज द मल्टीप्लीकेशन। सो क्लियर है सबको? तो बहुत ही बेसिक सी काउंटिंग है, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सर यू सेड अदर देन, नो नंबर अदर देन, इसका मतलब इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। I said no number other than this four number, इसका मतलब ये जो six digit के numbers हैं, इन six digit के numbers में, इन six digit integers में, ये जो चार number हैं, इनके अलावा कोई और number use नहीं हो सकता। What's so wrong? चतुर्थलिंगम, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई परेशानी चतुर्थलिंगम? भैया कोई दिक्कत हो गई क्या, कोई गलती कर दी हमने, कोई पाप हो गया हमसे? मैंने ये बोला है कि ऐसे कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं बिटवीन 10^5 एंड 10^6, जिन इंटीजर्स के अंदर इन नंबर के अलावा कोई और नंबर यूज ना होता हो। तो मैं ये जो चारों पोजीशन है इस पे क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे या तो 2, 4, 6 आएगा, सेकंड पोजीशन पे या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, थर्ड पोजीशन पे भी 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, एंड सो ऑन। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ऐसे फालतू परेशान मत करो। आई थिंक दैट यू हैव टू स्किप दिस नंबर्स। व्हाई यू थिंक have no numbers other than this four numbers? Why do you think like you are thinking? मत सोचो ऐसा। Next question देखते हैं कितने लोग इस question को solve कर पाते हैं। बहुत आसान है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब भी इन चीजों के बारे में सोचते हो तो आप एप्टीट्यूड भूल जाते हो। कॉम्बिनेशन अपनी जगह ठीक है, काउंटिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड चाहिए होता है। वो सोचो कि अगर आपने शुरुआत में, जैसे किसी ने मुझको आंसर दिया कि सर 4^5, तो उसने कुछ दिया 4k 2k टाइप का, वो 2k टाइप का आंसर दिया, तो 4k टाइप का, तो 4k टाइप का जो आंसर था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर भी उसने 4 रख दिया। वो 4k टाइप का आंसर था कि यहाँ पर भी उसने 4 रख दिया और 4096 हो गया आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पहली डिजिट को 0 नहीं रख सकते थे, अदरवाइज वो 6 डिजिट का नंबर होता ही नहीं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल आगे कुछ और डाल रहा हूं पॉसिबल इन विच ऑल फोर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट
हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल इन विच ऑल फोर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब चारों में से कोई भी दो डिजिट सेम नहीं हो सकती, चारों की चारों डिफरेंट होनी चाहिए, चारों की चारों डिफरेंट होनी चाहिए। जगत क्या रिपीट करूं बेटा, क्या रिपीट करना है, रिपीट क्या करना है ये तो बता दो। जगत क्या रिपीट करना है बताएंगे। अरे भाई जल्दी करो, ये वैसे भी बहुत ऐसा सा है, मतलब आप में से कई लोग जिनको चीजें समझ में आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, कोई भी इसको पढ़ करके दुखी नहीं होगा क्योंकि कोई भी कुछ भी आंसर दे रहा है ना। चतुर्थलिंगम गलत है बेटा, आंसर गलत है, आंसर चतुर्थलिंगम। सर प्लीज रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन। रजत गलत है, नंदिनी गलत है, आकाश गलत है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या रिपीट करना है भाई, उसने मुझसे पूछा था। आप एक तो कहना लैंग्वेज नहीं सुन रहे हो, ऐसे गंदे गंदे काम मत करो, बहुत दुखी रहोगे बच्चा, ऐसा नहीं करना है। क्या बोला है मैंने, सुनो अच्छे से क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। हाउ मेनी कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं, किसके बीच में, 10^5 और 10^6 के बीच में, कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं 10^5 और 10^ बीच के बीच में, सच दैट उनके उनके अंदर हाउ मेनी हैव, ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं बिटवीन 10^5 एंड 10^6 विच हैव नो नंबर्स अदर देन 0, 2, 4, 6, जिनके अंदर, इसका मतलब आप जो डिजिट यूज कर रहे हो वो डिजिट इन चारों के अलावा कोई और नहीं हो सकती। So how many integers between 10^5 and 10^6 have no number other than 0, 2, 4 and 6? तो ऐसे कितने numbers हैं इस रेंज में जो 6 digit के हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उसको 6 digit का होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब इसको 1 lakh से बड़ा होना है और 10 lakh से छोटा होना है। तो 10 lakh और 1 lakh count नहीं हो रहे हैं, क्यों count नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 1 lakh में एक number आता है 1, और मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो नंबर है उसके अंदर 0, 2, 4 या 6 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 10 लाख भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक नंबर आता है 1, और अगेन आपका जो नंबर है उसमें 0, 2, 4 या 6 के अलावा कोई और डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो अब जो नंबर्स बचे इस रेंज में वो सारे के सारे 6 डिजिट के हैं, जो नंबर बचे वो सारे के सारे 6 डिजिट के हैं, किसी में भी ना तो 5 डिजिट होगी और ना ही 7 डिजिट हो सकती हैं, ना ही 7 डिजिट हो सकती हैं, क्योंकि इस लास्ट 999999 के बाद जो नेक्स्ट 7 डिजिट का नंबर है वो है 1 lakh, एंड दैट इज नॉट अलाउड, दो दिस इन दी रेंज बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें 1 आता है। अब मैंने बोला आपके पास जो 6 डिजिट के नंबर्स पॉसिबल हैं, तो आपके पास ये 6 प्लेसेस हैं, इसका मतलब 6 डिजिट नंबर के लिए आपको ये 6 पोजीशन फिल करनी है। तो ये 6 नंबर्स हैं आपके जो 6 डिजिट नंबर में आने वाले हैं। तो हमने बोला कि अगर मैं पहली पोजीशन पे 0 डाल दूं तो मुझे बताओ 0, 2, 2, 4, 2, 5 क्या ये एक 6 डिजिट का नंबर है? नहीं सर, ये एक 6 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये इंटीजर क्या है, एक्चुअल में इस इंटीजर की वैल्यू क्या है, 2, 2, 4, 2, 5, एक्चुअल में इस इंटीजर की वैल्यू है 2, 2, 4, 2, 5, और ये 2, 2, 4, 2, 5 इस रेंज में नहीं है, तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे 0 नहीं आ सकता बच्चा। जो लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं सुन लो, आप अगर इस पहली पोजीशन पे 0 डाल देते हो और बाकी रिमेनिंग 5 पोजीशन पे कोई भी इसको 6 बोलना है, तो अगर बाकी पोजीशन पे
इनमें से कोई भी नंबर डाल देते हो तो ये नंबर एक्चुअल में 6 डिजिट का नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये इंटीजर एक्चुअल में 22426 है, जो एक 5 डिजिट का इंटीजर है, तो ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता। तो पहली पोजीशन फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस होंगी इन 4 में से, कि या तो आप पहली पोजीशन पे 2 डाल सकते हो, या 4 डाल सकते हो, या 6 डाल सकते हो। इसके अलावा कोई और नहीं डाल सकते। बाकी जो रिमेनिंग 4 पोजीशन है उनमें आप इन 4 में से कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो ओके ओके ओके। गुलाम नहीं 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 करेक्ट स्नेहा, थैंक यू स्नेहा। ठीक है, कितने आंसर आए भाई? ध्रुतिक गलत है, चंद्रप्रकाश गलत है, मनीष शर्मा तुम अलग बातें कर रहे हो, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा, मोहन सक्सेना गलत है, आई नो आई एम रॉन्ग बट मे बी, आपको पता है कि आप रॉन्ग हो फिर भी वाह, लेकिन गलत है। आदित्य गलत है, बिकॉज सिंगल प्लेस इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। अच्छा बेटा, नंबर कितने होते हैं? 0 to 9 सिर्फ 10 ही नंबर होते हैं। मनीष कौन से जीवन में जी रहे हो? चतुर्थ लिंगम, करेक्ट राइट। तो स्नेहा और चतुर्थ लिंगम, इतने लोगों में सिर्फ 2 आंसर सही हैं, इतने लोगों में सिर्फ 2 आंसर सही हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि और मुझे सही रियलाइज हुआ कि भाई जीवन में कुछ चीजों की जरूरत है और उसको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट वाले का, भैया 4 डिजिट के इवन नंबर कभी भी, ऐसे इवन नंबर जिसके अंदर सिर्फ 4 डिजिट हो वो इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? ऐसे इवन नंबर्स जो 4 डिजिट के हों, 4 डिजिट के नंबर ही काउंटेबल हैं, 4 डिजिट के नंबर ही काउंटेबल हैं, तो 4 डिजिट के नंबर इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं पहले तो ये बताओ, है ना। क्लियर। तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, समझना। मैंने इवन पढ़ा ही नहीं था, वाह, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं कैसे सवालों को देखते हैं इसको। तो सर हमको चाहिए 4 डिजिट का नंबर, हमको चाहिए 4 डिजिट का नंबर, और चारों डिजिट होनी चाहिए डिस्टिंक्ट। क्या बोला है इसने? इन विच ऑल 4 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर 2 यूज कर लिया तो आप इन चारों में से कहीं भी और 2 यूज नहीं कर सकते, कहीं भी और 2 यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि नंबर है इवन, तो अगर नंबर है इवन तो लास्ट पोजीशन के लिए, तो जो लास्ट पोजीशन है इसके लिए आपके पास जो चॉइसेस हैं वो है या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। क्या इस लास्ट पोजीशन में इन 5 के अलावा कोई भी और बिट आ सकती है? नहीं सर, लास्ट पोजीशन पे इन 5 के अलावा कोई और बिट नहीं आ सकती, ठीक है। सब गलत है बच्चा, है ना। चलो सो 2 ही आंसर सही आए हैं अभी तक, याद रखना इस चीज को, है ना। नाउ अब बात समझना, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये कि मैं यहां पर इस पोजीशन को 5 टाइप से फिल कर सकता हूं। बेसिक प्रॉब्लम सर, मैं इस पोजीशन को यहां पर 5 टाइप से फिल कर सकता हूं। हाँ, आप इसको 5 टाइप से फिल कर सकते हो। एक्चुअल में 5 तरीके हैं इस पोजीशन के लिए, या तो आप 0 डालोगे, या 2 डालोगे, या 4 डालोगे, या 6 डालोगे, या 8 डालोगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर आपने इसको 5 तरीके से फिल कर दिया तो इस पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं? या तो फिर मैं शुरुआत में आ जाता हूँ, इसके बाद मैं सीधे यहाँ जंप कर जाता हूँ कि लास्ट पोजीशन को फिक्स कर दिया, पहले लास्ट पोजीशन इन 5 में से किसी एक चीज का यूज करके फिल होगी। अब मुझे बताओ ये जो पहली पोजीशन है इसके लिए कितनी चॉइसेस पॉसिबल हैं? ये जो पहली पोजीशन है इसके लिए कितनी चॉइसेस पॉसिबल हैं अगर आपने लास्ट पोजीशन को 1 ऑफ दिस 5 नंबर से फिल कर दिया? सोचोगे और फंस जाओगे, समझना बात को। अगर सोच रहे हो तो फंस जाओगे कि अगर आपने इस लास्ट पोजीशन को इन 5 में से किसी एक डिजिट से फिल कर दिया तो आपके पास इस फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने तरीके हैं, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? टेल मी। अरे कुछ भी बोल रहे हो,
स्नेहा ऐसे गंदे गंदे जवाब नहीं देने का। और जगत 120, वाह बच्चा जीवन में कितना। अनीश, अरे दुआओं सलामों में थोड़ा बहुत पूजा वूजा किया करो तो कुछ समझ में आएगा। क्या लास्ट पोजीशन के ऊपर आप, मैंने क्या ये बोला कि ये जो चार डिजिट हैं इनमें इन चार पांचों नंबर के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता? ऐसा तो कहा ही नहीं गया, ऐसा तो कहा ही नहीं गया कि ये जो चार डिजिट का नंबर है सिर्फ इन्हीं पांचों में से किसी ना किसी डिजिट को कंटेन करेगा। आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सर टोटल डिजिट्स जो होती हैं वो तो भगवान ने हमको सिखाई हैं, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, सेवन भी हो सकती है, एट भी हो सकती है, नाइन भी हो सकती है। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज तो 10 है ना, जिससे मैं हर पोजिशन को फिल कर सकता था। बट क्योंकि नंबर इवन था, क्योंकि नंबर इवन था इसलिए एक चीज गारंटीड थी कि जो लास्ट पोजीशन है, ये जो लास्ट पोजीशन है इस पे या तो जीरो आएगा या टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा या एट आएगा। क्योंकि अगर वन थ्री फाइव सेवन या नाइन में से कोई एक बिट लास्ट पोजीशन पे आ जाती, इन पांचों में से कोई एक बिट लास्ट पोजीशन पे आ जाती तो आपका नंबर कैसा हो जाता? तो आपका नंबर ऑड नंबर हो जाता। अनीश ये जितने लोगों के चार आंसर आ रहे हैं, थ्री आंसर आ रहे हैं, समझो कहाँ जीवन में कौन सी नींद में सो रहे हो। आपके पास लास्ट पोजीशन के लिए सिर्फ ये चार पांच पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, आपके पास लास्ट पोजीशन के लिए सिर्फ ये पांच पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। इन्हीं चारों में से कोई नंबर आना चाहिए, किसने बोला? जितने भी लोग आंसर चार दे रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। समझ गए बात को? अब देखो एक्चुअल में कंफ्यूजन है। कुछ लोग अपूर्वा और राधिका, आप दोनों ने बोला कि सर आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन है आप इसको एक तरीके से फिल कर सकते हैं। और सिमिलरली रजत और गुलाम ने बोला कि सर आप इस फर्स्ट पोजीशन को नाइन टाइप से फिल कर सकते हैं। और यही था, आपको यही समझ में आना चाहिए था, आपको यही समझ में आना चाहिए था कि अगर मैं इन पांचों में से इन कॉम्बिनेशंस को डिवाइड नहीं करता हूं, अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस को डिवाइड नहीं करता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इन पांचों में से किसी एक बिट को यहां डाल देता हूं तो सारी की सारी डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थी। तो अब बची कितनी डिजिट, अब बची कितनी डिजिट? जब मैंने इन पांचों में से एक को यूज कर लिया, जब इन पांचों में से किसी एक को यूज कर लिया तो अब मेरे पास रिमेनिंग थ्री प्लेसेस पर यूज करने के लिए जो डिजिट बची हैं वो बची हैं नाइन। रिमेनिंग थ्री प्लेसेस पर यूज करने के लिए जो डिजिट बची हैं वो है नाइन। इसका मतलब मैं इस पोजीशन को नाइन टाइप से फिल कर सकता था। अब दो चली गई, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, तो इसको मैं एट टाइप से फिल कर सकता था और इसको सेवन टाइप से फिल कर सकता था। और इसके लिए तो पांच तरीके थे ही। तो ये एक आंसर था जो लोगों का आंसर आया है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस वैल्यू। ये कई लोगों का आंसर होगा तो मैं इसको देख लेता हूँ ये कितना होगा। यू कैन कैलकुलेट दिस एंड दिस आंसर इज रॉन्ग। Why? Because there's a problem. क्या? अगर आप बोल रहे हो कि आपने इसको पांच पोजीशन, आपने इस पोजीशन को फाइव टाइप से फिल कर दिया तो पॉसिबिलिटी थी कि इस जगह पर क्या आ जाता, टू आ जाता। पॉसिबिलिटी थी कि इस जगह पर क्या आ जाता, टू आ जाता। और जो रिमेनिंग नंबर्स थे उसमें से टू गायब हो गया, टू गायब हो गया, तो जो नंबर बचे वो क्या बचे, जीरो वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये नाइन नंबर। अब आप बोल रहे हो कि इसको आप नो टाइप, नाइन टाइप से फिल कर सकते हो, आप बोल रहे हो इसको आप नाइन टाइप से फिल कर सकते हो, लेकिन नाइन नंबर्स में तो जीरो भी है ना, जो रिमेनिंग नाइन डिजिट है, जो रिमेनिंग नाइन डिजिट है उनमें तो जीरो भी है ना। तो अगर इस पोजिशन पे आप बोल रहे हो कि नाइन, तो नाइन में तो एक जीरो भी है, तो अगर आपने ये जीरो यहाँ डाल दिया तो ये फोर डिजिट नंबर रह ही नहीं जाएगा। अगर आपने जीरो फर्स्ट पोजिशन में डाल दिया, अगर जीरो फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया तो ये नंबर फोर डिजिट नंबर रह ही नहीं जाता। हाँ या नहीं, क्लियर है? समझ में आया क्या कि अगर आप लास्ट की पोजीशन को इन चारों में से किसी एक तरीके से फिल करते हो और लेट्स अज्यूम कि इस लास्ट पोजीशन पे जीरो नहीं जाता, लेट्स अज्यूम कि इस लास्ट पोजीशन पे जीरो नहीं जाता और इन चार पोजीशन में से कोई एक नंबर जाता है, इन चारों में से कोई एक नंबर जाता है, तो फिर इस फर्स्ट पोजीशन के लिए नाइन चॉइसेस नहीं है। क्यों नाइन चॉइसेस नहीं है? क्योंकि आप जीरो को कभी भी इस पोजीशन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने जीरो को यहाँ पर इस फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया तो ये फोर डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं, ये थ्री डिजिट का नंबर हो जाएगा। हाँ या नहीं, चमका इतना सबको? तो बेसिक काउंटिंग यही तो सिखाती है हमको कि सोचो, सोचना जरूरी है। ठीक है,
इसका मतलब अब मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अब मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, कौन से दो पार्ट, जब लास्ट डिजिट जीरो हो और जब लास्ट डिजिट जीरो ना हो। तो अगर लास्ट डिजिट जीरो होगी तो क्या होगा वो समझते हैं, और जब लास्ट डिजिट जीरो नहीं होगी तो वो समझते हैं। सो समझना, वन ऑफ दिस मस्ट बी प्लेस्ड एट लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन। बेसिकली डिजिट बिट, राइट। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं केसेस में। केस वन, when least significant digit LSD, least significant digit is zero, तो अगर आप यहां पर जीरो प्लेस करते हो then there is only one way to place a zero here, there is only one way to place a zero on the least significant digit or the least significant position, right? तो ये आपने zero place कर दिया। अब zero को place करने के बाद कितने number बचे? Nine. अब वो जो nine number बचे हैं क्या उनमें zero है? अब zero को last में place कर देने के बाद zero तो खत्म हो गया, क्योंकि आपकी सारी की सारी digits distinct होनी चाहिए थी। तो अगर zero use हो गया तो zero वापस से use नहीं होगा। अगर जीरो यूज हो गया तो जीरो वापस से यूज नहीं होगा। इसका मतलब जीरो को यूज करने के बाद आपके पास जो नाइन डिजिट बची हैं वो सारी की सारी नॉन जीरो हैं। तो अगर सारी नॉन जीरो हैं तो उनमें से कोई भी इस पोजीशन पर डाली जा सकती है। इसका मतलब आपके पास अगर आपने लास्ट पोजीशन पर जीरो डाल दिया है तो फिर आप फर्स्ट पोजीशन पर सबसे पहले नो तरीके से कोई भी एक बिट डाल सकते हो। तो एक जीरो चला गया और एक यहां डल गया। उसके अलावा इस सेकेंड पोजिशन के लिए आपके पास एट वेज हैं एंड इस थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास सेवन वेज हैं। व्हाई दिस आर रिड्यूसिंग, क्योंकि आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने जीरो लास्ट पोजीशन पे डाल दिया तो उसके बाद आपके लिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके लिए आपके पास पूरे के पूरे जो नाइन कॉम्बिनेशन हैं वो वैलिड हैं, पूरे नाइन कॉम्बिनेशन वैलिड हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी नाइन इंटू एट इंटू सेवन वेज। इसका मतलब इतने इंटीजर पॉसिबल हैं, इतने फोर डिजिट के इवन नंबर्स हैं, इतने फोर डिजिट्स के इवन नंबर्स हैं, लेकिन इनमें जो लास्ट वाली डिजिट है वो, इनमें जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है, लास्ट वाली डिजिट आपकी जीरो है, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल कम आउट एज 504, दिस वैल्यू विल कम आउट एज 504। सो देयर आर 504 फोर डिजिट इवन नंबर्स which are ending with zero and all the bits are distinct. All the bits are distinct. Now, the case two. Case two. Case two क्या है? When least significant digit is a non-zero. So again आपके पास चार पोजिशन है, तो ये जो चार पोजिशन है इसमें अब इस लास्ट पोजिशन के लिए आपके पास फोर वेज है। What are the four ways? Either two or four or six or eight will be placed at the least significant position. क्योंकि जीरो वाला केस आपने अलग से ट्रीट किया है और नॉन जीरो वाले केस आपने अलग से ट्रीट किए हैं। अब बात समझना, अगर यहां पर इसके लिए चार तरीके हैं तो यहां पर जीरो यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो नो नंबर बच गए हैं उनमें जीरो भी है, अब जो नो नंबर बच गए हैं उनमें जीरो भी है, लेकिन वो जीरो यहां पर प्लेस नहीं हो सकता, इसलिए आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन है उसमें सिर्फ एट वेज होंगे। वाई? बिकॉज जीरो इज नॉट अलाउड।
क्लियर। तो अब एक पोजीशन, एक बिट तो वो जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट में जा चुकी है वो, और एक जीरो, इन दोनों को छोड़कर के जो आठ नंबर बचे हैं उनमें से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए आठ तरीके। अब बात समझना, अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट वाला जो है इसके लिए सेवन टाइप, इसके लिए सेवन टाइप्स होने चाहिए। नहीं, आप इसके लिए सेवन नहीं, क्योंकि अगेन एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, अभी तक जीरो ना तो यहां यूज हुआ है ना ही यहां यूज हुआ है। तो इन दोनों को छोड़ करके नॉन जीरो नंबर बचे सेवन और एक बचा जीरो, इसका मतलब आठ। लेकिन जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, लेकिन जीरो बीच में तो आ सकता है ना। जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, लेकिन जीरो बीच में तो आ सकता है। इसलिए यहां पर अगेन आपके पास आठ तरीके होंगे। अच्छे से सुन लो, आपने जीरो ना तो यहाँ यूज किया है ना ही यहाँ यूज किया है, लेकिन फिर भी दो डिस्टिंक्ट नंबर आप यहाँ डाल चुके हो। तो दस डिजिट होती हैं, उसमें से एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ जा चुकी है, एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ जा चुकी है, अब बची हैं एट डिजिट जिसमें जीरो भी है। तो यहाँ पर जीरो से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जीरो यहाँ पर प्लेस हो भी गया, ठीक है, तो वो इस नंबर को फोर डिजिट से छोटा नहीं बनाता, क्योंकि आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर एक नॉन जीरो बिट, नॉन जीरो नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पर आप वापस से इस पोजीशन पर आप जीरो को यूज कर भी सकते हो, नहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट वेज, और इसके लिए अब रह जाएंगे सेवन वेज। क्लियर है, इसके लिए रह जाएंगे सेवन वेज। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, एट इंटू सेवन इंटू फोर, वॉट विल बी दिस वैल्यू, वॉट विल बी दिस वैल्यू, हो कैलकुलेट कर देना इसको कितना आता है ये, 2496 इज दी फाइनल आंसर ना, 2496, तो दिस शुड कम आउट एज 1992 एंड 446, राइट। सो दिस इज द आइडिया, आई नो द आंसर बट दिस ओके। अब मुझे बताओ आप इन दोनों के अलावा कुछ और कर सकते हो क्या? नहीं सर। तो ये जो केस वन और केस टू के केसेस हैं, दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सुनना अच्छे से, दिस टू केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब जब लास्ट पोजीशन पे जीरो आता है वो फोर डिजिट नंबर, और जब लास्ट पोजीशन पे नॉन जीरो नंबर आता है वो फोर डिजिट इवन नंबर, डिफरेंट है। तो या तो फोर डिजिट नंबर ये वाला होगा और फोर डिजिट नंबर ये वाला होगा। तो या तो आपका नंबर केस वन वाला होगा और नंबर केस टू वाला होगा। तो अगर और लगा है तो क्या आएगा, और लगा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और लगा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। सो क्या फोर डिजिट इवन नंबर्स इन विच ऑल फोर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट will be with respect to case 1 or case 2. So with respect to case 1 you will have 504 or है, इसलिए या तो ये होगा या ये, और ये है 1992, इसका मतलब the answer will be 2496. क्लियर चमका, क्या सोचना है और क्या नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो बहुत सारी गलतियां हैं वो नहीं करो, थोड़ा सा एप्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचो, जब सोचोगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। सर आपने तो ये बोला था ना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बेटा रिपीटेशन किया कहाँ है, रिपीटेशन किया कहाँ है, तुम ये बता दो रिपीटेशन कहाँ है, मुझको ही बता दो कि रिपीटेशन हुआ कहाँ है। ऑल दी डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब रिपीटेशन नहीं हुआ है। हाँ आकाश करेक्ट है, मनीष
क्लियर है? कोई आंसर में दिक्कत है क्या, मुझे एक बार बता दो। मैं ही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या? एट एट सेवन फोर। यस, कैलकुलेशन में एरर है, कैलकुलेशन में एरर है। दिस विल बी 1792। दिस विल बी 1792। तो ये तो बदल जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन एरर है यहाँ पर। दिस विल बी 1792 and hence the answer will be 2296. 1792 and the answer will be 2296. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। क्लियर सर? हाँ हाँ ठीक है भैया, मान लिए भाई, गलती हो गई, माफ कर दो हमका, ऐसा ना करो। गुलाम आप ये क्या कह रहे हो कि सर आपने तो ये बोला था ना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर रिपीटेशन है ही नहीं। आई होप सबको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद दिस बेसिक रूल्स। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर द फर्स्ट वन, फर्स्ट पोजिशन कैन बी चूजन इन 9 ways एंड सेकेंड कैन बी चूजन इन 8 ways एंड थर्ड कैन बी चूजन इन 7 ways, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन एंड the 4-digit numbers can be constructed either using case 1 or the 4-digit number can be constructed using case 2. तो जब भी and आएगा तब तब multiplication होगा, जब भी and आएगा तब तब multiplication होगा, और जब जब और आएगा तब तब addition होगा। Clear? चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको जिसका बेसिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक्चुअल में डिटेल में उसके ऊपर और क्या क्या हो सकता है वो हम जब कॉम्बिनेटोरिक्स चलेंगे तब देखेंगे। अभी मैं बात करता हूँ परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन की बात करते हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इसका मतलब आप किस तरीके से चीजों को अरेंज करते हो। क्या बात चल रही है सर, व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम? वाह, बीटा फैक्ट्स। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन is ordered selection of objects ordered, this is important, ordered selection of objects in which where the order in which they are selected or appears matters. ठीक है, तो एक ऐसा सिलेक्शन जिसके अंदर आप किस ऑर्डर में सिलेक्शन कर रहे हो, अगर वो ऑर्डर मैटर करता है, अगर वो ऑर्डर मैटर करता है, तो हमारा जो
कॉन्सेप्ट है वो कहलाएगा परमुटेशन। सो सिलेक्शन है, सिलेक्शन है, लेकिन आप किस ऑर्डर में सिलेक्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब बात समझना, थोड़ी देर पहले मैंने जो पढ़ाया वो एक्चुअल में परमुटेशन था, थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा वो परमुटेशन था। क्या कि आप पहला नंबर कौन सा चूज कर रहे हो और दूसरा नंबर कौन सा चूज कर रहे हो, ये ऑर्डर कि अगर आप यहाँ टू चूज करते हो यहाँ फोर चूज करते हो तो इट विल बी अ डिफरेंट नंबर, यहाँ फोर चूज करते हो और यहाँ टू चूज करते हो तो इट विल बी अ डिफरेंट नंबर। सो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में उन नंबर का सिलेक्शन हुआ है, जिस ऑर्डर में उन नंबर का सिलेक्शन हुआ है वो मैटर करता है। और अगर ऐसा है तो जहां जहां पर भी ऑर्डर मैटर करेगा वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, परमुटेशन को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सो परमुटेशन इज ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर इन विच द एलिमेंट अपीयर्स और आई वुड से एलिमेंट अपीयर्स और सिलेक्टेड दैट विल मैटर। क्लियर, कोई दिक्कत? तो परमुटेशन दो तरीके से हो सकता है, समझना। सो फर्स्ट केस यहां पर, ओके, परमुटेशन ऑफ एन distinct objects simply say permutation of n distinct objects। इसका मतलब जो भी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, और permutation of distinct objects। सो यहां पर दो चीजें पॉसिबल हैं, यहां पर दो चीजें पॉसिबल हैं कि आप अरेंज कर रहे हो n distinct objects को, या तो सारे के सारे एक साथ लेकर के, या तो फिर उनमें से कुछ को एक साथ लेकर के। ठीक है, अब दूसरी चीज कि आप परमुटेशन कर रहे हो लेकिन परमुटेशन में आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये दो चीजें हैं। तो फर्स्ट थिंग इज परमुटेशन ये याद रखना, परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सुनो, परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर, वेयर आर की जो वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल्स टू एन। तो आर की जो वैल्यू हो सकती है वो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर एन ऑब्जेक्ट है तो आप एन से ज्यादा तो नहीं ले लोगे, अगर एन ऑब्जेक्ट है तो आप एन से ज्यादा तो नहीं ले लोगे, तो आप ये जो एन ऑब्जेक्ट है इसमें जीरो से लेकर के एन तक कितने भी ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कर सकते हो। सो परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर repetition of object is not allowed, permutation of n distinct object and n objects taken r at a time where repetition of n distinct object is not allowed is given by what out of n objects you are trying to permute, out of n objects you are trying to permute npr. So what does it represent? Is given by npr, that is permutation of n objects taken r at a time. और ये कौन सी केस में है? ये उस केस में है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऑब्जेक्ट
रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड. अगर रिपीटेशन होगा तो केस कुछ और होगा, अगर रिपीटेशन होगा तो केस कुछ और होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो गुरुजी, अरे धीरज सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? भैया भाई लोग आए हमारे, क्लियर भाई? तो क्या कहानी चल रही है यहाँ पर कि ये किस तरीके से चलना है उसको देखें, है ना? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर अब मैं आपसे यहां बोलता हूं क्या कि मैं 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना चाहता हूं, और कैसा रिपीटेशन अलाउड नहीं है. अगर मैं 5 डिजिट के नंबर चाहता हूं तो अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी five digit integers are there, so repetition allowed नहीं है, are there in which all digits are distinct. इसका मतलब repetition allowed नहीं है. All digits are distinct. Tell me, how many 5-digit integers are there in which all digits are distinct and और मैं इसको इंटीजर नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर मैं इसको इंटीजर बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. हाउ मेनी 5-digit पिन आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. पिन की बात कर रहा हूँ, लेट्स अस्यूम, समझ लो कि आप अपना ATM पिन जनरली 4 डिजिट का होता है, लेकिन मैं 5 डिजिट के फॉर्म अप में सोच लेता हूँ. कि 5 डिजिट का पिन बना रहा हूं. तो पिन और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? पिन और इंटीजर में ये डिफरेंस है कि अगर मैं पिन की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग डिजिट 0 हो सकती है. लेकिन अगर मैं 5 डिजिट के इंटीजर की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग के डिजिट 0 नहीं हो सकती है ना. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सर? हाउ मेनी 5-digit इंटीजर्स आर देयर, नंबर ऑफ 5-digit इंटीजर्स आर, तो यहाँ पर बेसिकली 5 डिजिट्स होंगी और सारी की सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं. तो आप पहली डिजिट कितने टाइप से चूज कर सकते हो सर? दी फर्स्ट डिजिट कैन बी चोजन इन 10 ways. व्हाई? बिकॉज यू कैन चूज एनी आउट ऑफ 0 to 9. यू कैन चूज एनी नंबर आउट ऑफ 0 to 9, बिकॉज इफ इट इज अ पिन देन 0 विल बी अलाउड. क्लियर? नो चंद्र प्रकाश, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर 0 अलाउड है. क्यों अलाउड है? अगर मैं पिन की बात कर रहा हूँ तो पिन के अंदर वो इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करता और उसमें फर्स्ट डिजिट 0 हो सकती है. ATM पिन में 0 डाल देते हो या नहीं डाल देते हो? सो हाउ मेनी 5-digit पिन आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. सो फर्स्ट विल बी 10. नाउ आपने एक यहाँ यूज कर ली है, सारी की सारी डिस्टिंक्ट चाहिए, इसलिए सेकेंड के लिए 9 ways, थर्ड के लिए 8 ways, then 7, then 6. Yes or no? अब बात समझना. अगर मैं इसी की बात करता हूं एट अ टाइम, वी आर सेइंग टेकन आर एट अ टाइम, तो इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं. सो व्हाट विल बी NPR? अगर हम समझें सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NPR? सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स में से आप सिर्फ कितने चूज कर रहे हो? आर चूज कर रहे हो. उनमें से आप सब कितने चूज कर रहे हो? आर चूज कर रहे हो. सच दैट, मैं नंबर वंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा हूँ कि इंटीजर है कि क्या है, मैं भी सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप आर को चूज कर रहे हो और वो आर जो हैं वो सारे के सारे आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो क्या एन में से आर डिस्टिंक्ट चूज किए जा सकते हैं? एन सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं.
एन सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और आर की वैल्यू 0 टू एन के बीच में है. सो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ आर इज, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ आर इज, आप हमेशा डिस्टिंक्ट चूज कर पाओगे. सो अगर मैं एनपीआर की बात करूं तो एनपीआर के अंदर कितनी पोजीशंस होंगी, वी आर चूजिंग आर आउट ऑफ एन, वी आर चूजिंग आर आउट ऑफ एन. सो इफ यू आर चूजिंग आर आउट ऑफ एन, द फर्स्ट पोजिशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, एन वेज, एंड द सेकेंड पोजिशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, एन माइनस वन वेज. द सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, एन माइनस टू वेज, एंड सो ऑन. सो द लास्ट पोजिशन, दैट इज द अर्थ पोजिशन, कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द अर्थ पोजिशन. आते हैं भाई आंसर पे भी आते हैं, आंसर को देख करके ज्यादा चकाचौंध में जाने की जरूरत नहीं है, आंसर की कोई बड़ी बात ही नहीं थी. लेकिन मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करने का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है हाउ मेनी फाइव डिजिट पिन आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, तो आपको पता है कि टोटल एन कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितनी है, 10 है, ये आंसर आपको डायरेक्टली पता है. तो ऐसा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिसको फॉर्मूला की टर्म में समझते हो वो एक्चुअल में आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में वो चीज़ ऑलरेडी है, लेकिन उसको सिर्फ एक फॉर्मूला बना दिया गया है और उससे आप लोग घबरा जाते हो कि एनपीआर क्या है. एनपीआर देख करके लोगों की सांसें फूल जाती हैं, एनसीआर देख करके लोगों की सांसें फूल जाती हैं. इसलिए मैं सब उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट, यू ऑलरेडी नो दिस काउंटिंग, आपको ये ऑलरेडी काउंटिंग आती है कि टोटल 10 डिजिट्स हैं. अगर टोटल 10 डिजिट्स हैं और अगर मैं उसको उसमें से 5 डिजिट की पिन बनाना चाहूँ जिसके अंदर पांचों की पांचों डिजिट डिफरेंट हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आता है. आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, 10 में से 5 चीज़ों को परम्यूट कर रहे हो, 10 में से 5 डिजिट को लेकर के और उसको परम्यूट कर रहे हो. तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, यस और नो? तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, लेकिन एनपीआर के फॉर्मूला के फॉर्मूले में बेसिस पे आप इसको देख करके घबराने लग जाते हो, तो कुछ नहीं है. तो एन में से आर आउट ऑफ एन अगर आप चूज करते हो तो फर्स्ट वन कैन बी चोजन इन एन वेज, सेकेंड वन कैन बी चोजन इन एन वेज, थर्ड वन कैन बी चोजन इन n minus 2 ways and so on. So the last one, that is the rth position or the rth number, can be chosen in how many ways? n. So let's see. For first position, 0. For second position, 2 minus 1. For first position, 1 minus 1. For second position, 2 minus 1. For third position, 3 minus 1. For fourth position, 4 minus 1. 3 minus 1 is 2. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1 is 0. So for r, it will be r minus 1. So you can actually say n minus r minus 1. It will be n minus r minus 1, which is nothing but n minus r plus 1, which is nothing but n minus r plus 1. Clear? Clear? तो ये क्या हो जाएगा, n minus r plus 1. तो यहाँ पर NPR की actual value क्या है, ये हमको पता है, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1. सो दिस इज वॉट एनपीआर इज. अब इस एनपीआर को मैं और जनरलाइज कर सकता हूँ. आप सबको फैक्टोरियल पता है, आप सबको फैक्टोरियल पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है. तो अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, कैसे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन. ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूँ. अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर मैं सेम नंबर से इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सर ये क्या है, एन माइनस आर प्लस वन. अगली टर्म क्या होगी, एन माइनस आर. अगली क्या होगी, एन माइनस आर माइनस वन, एंड सो ऑन. दिस विल गो अप टू 3. सो एक पोजीशन होगी जब ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस एन माइनस 3, इसका मतलब ये वैल्यू रह जाएगी 3, 2, 1 एटसेट्रा. सो दिस विल रिमेन 3, 2, 1, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 up to 3, 2, 1, right? Now,
If you look at this closely, this numerator n into n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1, n minus 1, n minus r minus 1 up to 3 to 1 is nothing but n factorial. N factorial. And this denominator is starting from n minus r minus 1, n minus r minus 2 up to 1. So the multiplication of first n minus r natural number, the multiplication of first n minus r natural number is nothing but n minus r factorial. Yes. So NPR, जिसको आप formula की form में रटते हो, NPR जिसको आप formula की term में रटते हो, वो actual में एक basic counting का different format है. वो actual में आपकी एक basic counting का different format है. तो आप इसको चाहो तो रट सकते हो, आप इसको चाहो तो रट सकते हो, चाहो तो सीधे सीधे use कर सकते हो. Clear? तो ये वाली जो चीज है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जब ये काउंटिंग की बात करते हो तो आप परम्यूटेशन के बारे में सोचते ही नहीं कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो. यू आर एक्चुअली परम्यूटिंग 5 out of 10 things और यू आर एक्चुअली परम्यूटिंग 10 things टेकन 5 at a time इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो दिस इज आर आउट ऑफ एन वन Repetition is not allowed. Clear है? So NPR का formula कैसे derive होता है ये समझ में आता है, तो आप उसको derive करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Clear? But basic counting आपको आनी चाहिए कि ये चीज पता है. इस चीज को अगर use करते हो तो आप चीजों को थोड़ा सा speedy बना सकते हो. Otherwise, you already know the concept of permutation of n things taken r at a time without repetition. तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता, लेकिन उसको अगर नाम दे देते हैं, उसको फॉर्मूला दे देते हैं, उसको परम्यूटेशन बोलने लगते हैं तो हम घबराने लगते हैं. क्या ये परम्यूटेशन नहीं है? क्या ये परम्यूटेशन नहीं है? क्या ये काउंटिंग आपको नहीं आती? क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? अगर मैं टेकन ऑल एट अ टाइम लेता तो, अगर मैं टेकन ऑल एट अ टाइम लेता तो, अब देखना, अगर मैं इसको ऐसे बोलता यूजिंग 10 digit, अगर मैं 10 digit की बात करता हूं तो कितनी डिफरेंट पिंस पॉसिबल हैं, कितनी डिफरेंट पिंस पॉसिबल हैं जिसके अंदर सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं. ऐसे कितने पिन पॉसिबल हैं? सर पिन क्या बनेगी? 0 0 0. आपके पास टोटल पोजीशन तो 10 ही है, क्योंकि अगर आप सबको डिस्टिंग रखना चाहते हो, अगर आप सबको डिस्टिंग रखना चाहते हो तो आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. या तो ये बना लोगे, इससे बड़ा करते करते कहाँ तक ले जाओगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. सो दिस आर दी डिफरेंट पैटर्न्स. तो ये क्या है? आप फर्स्ट पोजीशन को 9 टाइप से फिल कर सकते हो, दूसरी वाली को 8 7 6 5 4 3 2 1. तो अगर आप इनको देखोगे तो टोटल ये टोटल कितने हैं आपके? 10 factorial. ये टोटल आपके कितने हैं? 10 factorial. क्लियर? सो ये है टेकन ऑल एट अ टाइम. तो अगर हम r आउट ऑफ n की बात कर दे रहे हैं, इसका मतलब टेकन r एट अ टाइम की बात कर रहे हैं, तो मैं टेकन n एट अ टाइम की बात भी कर सकता हूं. इसका मतलब r की वैल्यू को क्या रख दो? ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम. अगर मैं बोल रहा हूं टेकन ऑल एट अ टाइम, सो परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken all at a time without repetition will be equals to n permute, and you are taking all n out of them. So अगर एक्चुअल में देखूं तो ये है क्या? एक्चुअल में देखूं तो n ऑब्जेक्ट लेना है, n. सो फर्स्ट वन कैन बी चोजन इन n वेज, सेकंड वन कैन बी चोजन इन n माइनस 1 वेज, थर्ड वन कैन बी चोजन इन n माइनस 2 वेज, एंड सो ऑन 3 2 1. क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए और सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट के लिए n तरीका और लास्ट में सिर्फ एक ही बच जाएगा उसके लिए एक तरीका, राइट?
एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये है एन फैक्टोरियल, एक्चुअल में ये है एन फैक्टोरियल। तो सर इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज एन पी एन, सो विल बी इक्वल्स टू एन पी एन। व्हाट इज एन पी एन, एन पी एन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल, बिकॉज आर इज एन इन दिस केस, सो दिस विल बिकम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वन, सो दिस विल कम आउट एज एन फैक्टोरियल। क्लियर है? सो कम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन विल बी दिस। क्लियर? ये क्या बोल रहा है सोनू सर, लाइव ऐप का टाइमिंग क्या हो गया? लाइव ऐप का टाइमिंग 6 PM हो गया, लाइव ऐप का टाइमिंग 6 PM हो गया, होगा या हो गया? होगा पूछ रहे हो तुम। सर कितने आवर्स की क्लास होगी डेली? 3 से 3.5 घंटे की क्लास होगी डेली, 6 से 9 या 6 से 9.5 तक जनरली मेरी क्लास चलती है, ठीक है। सो ये क्या है, ये पहले जो दो फॉर्मूले हैं ये वो हैं जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये वो फॉर्मूलाज हैं जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये छोटा हो गया, परम्यूटेशन ऑफ अनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। समझना बात को। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं और कुछ नहीं, आपको बस ये समझ में आना चाहिए। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड any number of time can be given by, क्या होगा ये, can be given by क्या होगा? अब सुनना बाप सब, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं how many मैं पूछता हूं हाउ मेनी 3-digit पिन आर पॉसिबल, how many 3-digit pins are possible using the digits 1 2 3 4 5 and 6 where digits can be repeated, what will be the answer? agar main aapse ye puchun to iska answer kya hai? अरे बता तू दिया सोनू, सर कितने आवर की क्लास होगी बता तू दिया। अच्छा ये फिर से पूछा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हाउ मेनी 3-digit पिन आर पॉसिबल यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 वेयर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, राइट? सो द आइडिया इज आपके पास 3-digit की पिन है, आपके पास 3-digit की पिन है ना। नाउ आपके पास टोटल डिजिट्स कितनी हैं जो यूज की जा सकती हैं, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट कैन बी एनी वन ऑफ द 6 digits एंड क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए आपने जो यहां पर यूज कर लिया है उसको छोड़ना जरूरी नहीं होता, उसको छोड़ना जरूरी नहीं होता। सो अगेन द नेक्स्ट पोजिशन विल बी 6
अगेन फॉर द लास्ट डिजिट जो भी आपने यहाँ यूज की हो उसको फिर से यूज कर सकते हो. तो अगेन 6, सो दिस विल बी 6 रेस पावर 3 एंड दिस विल कम आउट एज 2 रेस पावर 16. यस, सो दिस इज योर आंसर. यू नो दिस, बट अगर फॉर्मूला की टाइम में पूछूं दैट परम्यूटेशन ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट सेकंड आर एट अ टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम कैन बी गिवन बाय व्हाट. अरे सुनो भाई, आप आर एट अ टाइम की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप आर पोजिशन को फिल करना चाहते हो यूजिंग एन ऑब्जेक्ट्स. आप आर पोजिशन को फिल करना चाहते हो यूजिंग एन ऑब्जेक्ट्स, और वो एन ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए जा सकते हैं. तो पहला वाले पोजिशन को एन टाइप से, दूसरे वाले पोजिशन को एन टाइप से, तीसरे वाले पोजिशन को एन टाइप से, और टोटल कितनी पोजिशन है? आर पोजिशन. तो एन इंटू एन इंटू एन, हाउ मेनी टाइम्स? आर टाइम्स. सो दिस विल बी गिवन बाय एन रेस टू द पावर आर. क्लियर? क्लियर है? तो आपको ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला सुनकर के डर लगता है, लेकिन आपको काउंटिंग आती है. मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको देख के डरो मत, इनका विजुलाइजेशन देखो कि एक्चुअल में है क्या. इनको सिर्फ विजुलाइज करो, फॉर्मूले को रटो मत. अगर वो बोल रहा है कि क्या करना है तो आपको ये पता चलेगा, क्वेश्चन से दिखेगा, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कब एनरेस पावर आर यूज करना है, कब एनपीआर यूज करना है. क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीजों को रिपीट किया जा सकता है, इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, इसका मतलब कहानी लगेगी एनरेस पावर आर वाली. और जब रिपीटेशन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो है परम्यूटेशन व्हेन वी आर टेकिंग आर आउट ऑफ एन एंड repetition is not allowed, then you will think in terms of NPR. Clear? So ये सीधे सीधे formula कैसे confuse हो जाते हो, कब कौन सा लगाना है उसको use नहीं कर पाते, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं बोलता हूँ taken all at a time, so permutation of n objects taken all at a time when object can be repeated any number of time will be what? So permutation, इसी को corollaries की हो जाएगी. क्या हो जाएगी? Permutation of n objects taken all at a time so you are not choosing r only, you can choose all the objects, so taken r all at a time will be nothing but n raised power n. Nothing wrong with that. सर यूट्यूब पे लाइव ओनली क्लासेस होगा? नहीं, रोज नहीं होगा गौरव, रोज नहीं होगा. ये जो क्लासेस आपको दिख रही हैं ये सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए हैं, उसके बाद नहीं होंगी. चलो एक सेकंड, एक चीज मिस कर दी हमने, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर भी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहां पर ये लिख लेना. ठीक है? नाउ ये जो दोनों केसेस थे, पहला और दूसरा केस, ये वो थे जब मेरे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं. लेकिन अगर मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हो तो थर्ड केस आता है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स need not be distinct. Permutation of all objects or permutation of objects when all objects need not be distinct. So, Samina, so case 1 or case ki kya baat karna hai, sir, likh lo, seedhe seedhe likh sakte ho. Permutation of n objects. Total objects कितने हैं? Permutation of n objects
वेयर P of them are same. Can be given by what? अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं उसमें से p सेम है तो क्या वैल्यू होगी? अमित कुमार सर डेली टाइमिंग 6 PM ही रहेगा. हाँ भाई डेली टाइमिंग 6 PM ही रहेगा यार यूट्यूब पे. बीटा फैक्ट्स उसके बाद जो दो क्लासेस हैं उसके बाद वाले सिर्फ अगर आप लाइव ऐप पे एनरोल करते हो तो सिर्फ वहीं पर पढ़ पाओगे. और ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं वेयर पी ऑफ देम आर सेम एंड डेफिनेटली and all others are distinct. तो इसको नहीं भी लिखोगे तो उसका यही मतलब निकलना चाहिए कि जो बचे हुए हैं वो आपके कैसे हैं. डिस्टिंक्ट है क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू?